हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है बेस्ट हेल्थ टिप्स में। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं पतंजलि की मुसली पाक का। तो फ्रेंड्स, आइए विदाउट एनी डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो ये 350 रुपीज़ का है, जिसमें ये 200 ग्राम्स की बोतल में आता है। और जो इसके यूजेस मेंशन है इसकी बोतल पे, वो है कि यूज्ड इन जनरल डायबिलिटी एंड स्ट्रेंथन्स इनर पावर, यानी कि ये इनर पावर को स्ट्रेंथन करता है और प्रिवेंट करता है जनरल डायबिलिटी से। फ्रेंड्स, ये पाउडर्ड फॉर्म में अवेलेबल है इस बोतल में। और अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो इसमें मूसली पाउडर के साथ साथ कौंज के बीज, सतावर, अश्वगंधा और इस तरह की तमाम औषधियां इसमें मौजूद हैं। फ्रेंड्स, अब आइए डिटेल में बात करते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। फ्रेंड्स, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो क्योर करती हैं अर्थराइटिस और जॉइंट पेन को। यानी कि अगर आपको जॉइंट पेन या अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो आप मूसली पाक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है और आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ और पावर प्रोवाइड करता है। जिनको भी वीकनेस की प्रॉब्लम रहती है वो लोग भी इसे ले सकते हैं। इसके साथ साथ इट क्योर्स इनफर्टिलिटी एंड बूस्ट वाइटैलिटी। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जिन भी लोगों में है वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इट क्योर्स ऑल काइंड ऑफ सेक्सुअल डिसऑर्डर इन बोथ मेल एंड फीमेल। कोई भी मेल हो या फीमेल हो, अगर उसमें किसी भी तरह का कोई भी सेक्सुअल डिसऑर्डर है तो उसके लिए मूसली पाक से बेहतर कोई दवा नहीं है। फ्रेंड्स, इट इम्प्रूव्स द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन को इम्प्रूव करता है। इसके साथ साथ ये आपका स्टैमिना भी बढ़ाता है, आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, इट इंक्रीजेस द बोन स्ट्रेंथ, या आपकी हड्डियों की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और क्योर करता है ऑस्टियोपोरोसिस को। फ्रेंड्स, जिनको नहीं पता है, ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपकी बोन्स वीकन होने लगती हैं। क्योंकि ये बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है इसलिए ये क्योर करता है ऑस्टियोपोरोसिस को। इट ट्रीट्स क्रॉनिक फीवर। जिनको भी क्रॉनिक फीवर है, यानी कि फीवर उनका बार बार आ जाता है उनको, तो वो लोग भी मूसली पाक का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ जिनको भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम या शीघ्र पतन होता है वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मूसली पाक आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। जी हाँ दोस्तों, मूसली पाक का इस्तेमाल करने से आपका स्पर्म काउंट इंक्रीज होता है। अगर आप मूसली पाक का सेवन करते हैं तो आपके शरीर को ऊर्जा क्षमता मिलती है। इसके साथ साथ इसका सेवन करने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। फ्रेंड्स, मूसली पाक वीर्य उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने में भी सहायक है। फ्रेंड्स, अगर आपको भूख कम लगती है तो उसके लिए भी आप मूसली पाक का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सफ़ेद मूसली नपुंसकता यानी कि इम्पोटेंसी के उपचार हेतु बेहतरीन औषधि है। मूसली बांझपन और यौन संबंधी रोगों के उपचार के लिए बहुत अच्छी औषधि है। काम इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके सेवन से कमजोरी नष्ट होकर आपको ताकत मिलती है। फ्रेंड्स, मूसली पाक एक एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। फ्रेंड्स, मूसली पाक का प्रयोग करने से शरीर के वजन बढ़ता है और शारीरिक दुर्बलता नष्ट होती है। फ्रेंड्स, जो लोग जिम जाते हैं या बॉडी बिल्डिंग का शौक रखते हैं वो लोग भी मूसली पाक का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके वेट को इनक्रीज करता है। इसके साथ साथ ये आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, जिससे आप जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं और आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। इसके साथ साथ इसका सेवन करने से बॉडी में इंसुलिन बनता है, जिससे शुगर कंट्रोल होती है। तो जो भी डायबिटिक मरीज हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह औषधि पुरुष के यौन शक्ति बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा असरदार है। तो जिनको भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है या सेक्सुअल स्टैमिना कम है वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बढ़ाता है। फ्रेंड्स, अब अगर हम इसके डोजेज की बात करें तो मूसली पाक को 3 से 10 ग्राम
दिन में दो बार लेना चाहिए, यानी कि एक से डेढ़ चम्मच आप इसके ले सकते हैं दिन में दो बार। और अगर टाइमिंग की बात करेंगे कब आपको लेना है, तो भोजन से दो से तीन घंटे बाद दिन में दो बार सुबह या शाम आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इसके बेस्ट बेनिफिट चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल दूध के साथ ही करें। अगर किसी को दूध से एलर्जी या कोई प्रॉब्लम होती है तो वो इसका इस्तेमाल गर्म पानी के साथ या ल्यूक वार्म वाटर के साथ भी कर सकता है, लेकिन अगर आप इसके बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो दूध के साथ ही इसका इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं क्या कोई इसका साइड इफ़ेक्ट है। वैसे तो मूसली का सेवन आमतौर से कोई भी दुष्प्रभाव नहीं दिखाता है, परंतु यह आयुर्वेदिक औषधि है, तो अगर आप इसका अत्यधिक सेवन करते हैं तो ज़रूर कोई ना कोई नुकसान आपको होगा या आप बढ़ा सकती है। फ्रेंड्स, अगर आप मूसली पाक लेना चाहते हैं तो आप नियर बाय पतंजलि स्टोर से इसे ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन इसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो अमेज़न जैसी साइट से आप इसे ले सकते हैं। उस साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप इस लिंक पर जाके अमेज़न से इसे ख़रीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।